मैं सब तो पहला मैं चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी के जेडे ऑर्डिनेंस होए ने ये किसानों के खिलाफ ने इन्हें बड़बड़ा कर लो कि भाजपा ना मिलके आपां पंजाब दे पंथक मुद्दियां नूं हल कर पावांगे मलम लाने की जरूरत है जख्मा ते चाहे किसानी का हो मसला चाहे सिखा का मसला हो चाहे पंजाब का मसला हो सरदार प्रकाश सिंह बादल तो मनना ही पेगा ना सब तो सीनियर राजनीतिक नेता ने जिन्हें बहुत लंबा समा काम किया साडा पंजाब ते पंथ नूं बचाउण दा साडा मॉडल की है यही है ना मेरा ख्याल है भी प्रधानमंत्री जी नूं आना जरूर चाहिए स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों को सत श्री अकाल मैं हाँ तुहाडे नाल लिबरेट अकाली दल संयुक्त प्रधान सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी साढ़े नाल ने बाकी गल्लां उन्हां नाल सांझियां करदे आ तो ढींडसा साहब स्काई न्यूज़ पंजाब ते तुहाडा स्वागत है बहुत बहुत मेहरबानी जी मैं भी तुहाडे मैं जिस तरह तुसीं दित्ता गणतंत्र दिवस दी सारे भारत वासियों नूं बहुत बहुत बधाई देना फिर तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं मैनूं लोकां नाल गल्लां करन दा मौका दे रहे हो ढींडसा साहब सब तो पहला सवाल उही हो कि पंजाब खेती प्रधान देश विचों वड्डा सूबा है उहदे विच सब तो वड्डा विरोध भाजपा का रहा खेती कानूनों नूं लैके चाहे वह रद्द कर दिते गए ने प्रधानमंत्री ने वापस ले लए गए ने पर फिर भी विरोध नूं हजे थमिया नहीं मन्निया जा सकता तो उस विरोध वाली पार्टी ने मिल के तुसीं पंजाब की सत्ता दे विच आपदी मौजूदगी दर्ज कराउण दे विच किवें आपदे आप नूं समर्थ समझदे हो देखो सब तो पहला तो यह है कि जदों किसानां दे मोर्चा चल रहा सी सब तो वध असीं उहदे च हिस्सा पाया असीं कोशिश कीती कि उहदा पूरा हिस्सा उहदे च लिया जाए मैं सब तो पहला मैं चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी नूं कि जिहड़े ऑर्डिनेंस होए ने इह किसानां दे खिलाफ ने इहनां नूं बड़बड़ा कर लो उहनें नहीं कीते फिर मैं किसान यूनियन दा आया कि तुसीं वापस जिन्ने अवार्ड मिले वापस लो मैं अपना पद्म भूषण मिलिया सी वो मैं अपना वापस कर दिता और उस तो बाद साढ़े वर्करा ने एक साल पूरा उन्हां दा साथ दिता मैं भी समझदा कि बहुत एक साल बॉर्डर ते ठंड विच गर्मी विच बारिशां विच साढ़े बजुर्ग औरतां बच्चे बैठे रहे ने उहदा दुख तो है ही है जी भावें वापस हो गए लेकिन मन विच अजे दुख ने उहनूं दुखां नूं दूर करन लई कोई उन्होंने गुस्से नूं दूर करन लई उन्हां नूं होर लोड़ है कि प्यार नाल सत्कार नाल उन्हां दी मंगां जिहड़ियां रह गईआं वो भी मन लईआं जाण वो असीं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर सरकार नाल मिल के क्यों पूरी कीतीआं जा सकदीआं तुसीं सियासत दा लंबा समां श्रोमणी अकाली दल नाल गुजारिआ तुसीं पंथक मुद्दिआं तों लांभे हुंदी देखत पार्टी नूं एक विरोध इतराज करदे इक नमणा संयुक्त श्रोमणी अकाली दल संयुक्त स्थापित कीता कि भाजपा नाल मिल के आपां पंजाब दे पंथक मुद्दिआं नूं हल कर पावांगे देखो गल इह है कि सब तो पहलां तां इह है कि किसानी दा मैं तुहानूं दस्सिआ किसानी दा असीं डट के मदद कीती है जिथों तक बाकी मुद्दिआं दा उस तों बाद आया फैसला कि पंथक मुद्दे ने जिहड़े जी जां पंजाब दे मुद्दे ने जी पंजाब बहुत बुरी तरह फसिया हुआ पंजाब बहुत बुरी तरह चाहे कर्जा ला लो चाहे माफिए ला लो चाहे होर है जी उन्हां तो फस करके इंडस्ट्री चली गई उन्हां दे करन लई कुदरती है कि लोकां विच पंजाब दा बॉर्डर स्टेट है पंजाब दा फस जाना ये कुदरती है कि सारे लई गल चुभदी है देश लई भी नुकसानदेह है जी उहनूं जे कोई कर सकदा है तो वह सेंटर सरकार ही मिल के कीते जा सकता तो मैं समझदा कि सारी कोशिश है कि जिहड़े मसले रह गए पंजाब नूं बचाउण लई पंथ नूं बचाउण लई पंथ दे मुद्दिआं नूं बचाउण लई तो इक्को इक रस्ता है कि असी मिल के सेंटर नाल कोई गल करिए उन्हां नाल इह वी है जिहड़े किसानां दे मुद्दे भी ने उन्हां नूं पूरे हल करन दा यतन सरकार करे उहदे लई यतनशील असी भी होईए नाल जिवें आपां गल करिए कि भाजपा च शामिल हुंदे ने मनजिंदर सिंह सिरसा जी दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा पंडित कमेटी के आगा प्रधान रहे ने उन्हां दा कहना है कि उन्हां दा भाजपा विच आउण दा एक कारण है कि जिहड़े कौमी पद्धर के मुद्दे ने चाहे वह गुरद्वारियां दा मसला चाहे होर मसले ने जे कौमांतरी पद्धर के मसले ने जे आपां पंजाब दे मुद्दिआं दी गल करिए बंदी सिंघां दी रिहाई होगी काली सूची होगी होर इस तरह के मुद्दे ने तुसीं कहड़े कहड़े मुद्दे रख रहे हो जो चुनो मनोरथ पत्र चाहे साझे
देखो कुछ मनोरथ पत्र चाहिए सारे नहीं आ सकते जी। असी एक एक होएगा साढ़े अपने इशू लेके सेंटर को गया कुछ लेके जाना है जी। सानू उम्मीद है कि सेंटर सरकार भी समझती है कि मलव लाने की जरूरत है जख्मां ते, चाहे किसानी का हो मुद्दा, चाहे सिखां का मसला हो, चाहे पंजाब का मसला हो, उन्हां दे जख्मां ते मलव लाने की जरूरत है। सेंटर सरकार भी समझती है, असीं भी समझते हैं, ते उहदे मलव लाने लई उन्हां नूं ठीक करन लई कोशिश हो रही है, उहदे वास्ते साडा गठजोड़ होया जी। चोण मनोरथ विच तुसीं कहिंदे हो कुछ मुद्दे आउणगे, जिहड़ा बंदी सिंघां दी रिहाई दा जां काली सूची दा इक मेन मुद्दा हुण उभर के सामने आ रिहा है, ते प्रोफेसर साहब की रिहाई की भी गल चल रही है, एक दल पंथक एक वक्री गल शुरू कर रहा है, वो रख्या गया इन्हों कोई एक अद्धा मुद्दा उस चर उन्हें सारे मुद्दे रखे हुए हैं साढ़े ये जी। असी गल की हुई है वो तो किन्ने कदों मसले हल होंगे, किन्ने हो सकते हैं, कदों हो सकते हैं, इलेक्शन तो पहला कि हो सकते हैं, इलेक्शन तो बाद कि हो सकती है, वो सेंटर ने सोचना है। लेकिन उन्होंने पॉजिटिव रिस्पोंस थी, सेंटर का पॉजिटिव रिस्पोंस है। अच्छा जी, तो इस करके सानू उम्मीद है कि मसले साढ़े हल होणगे, नैशनली भी इंटरनेशनली भी, सिखा दे मसले भी ने वो भी मसले हल होणगे। तुहाडी बिल्कुल ठीक है, जिवें सरसा जी ने कहा जी, वो सारे मसले असीं उन्हां नूं लैके तुरे हुए। पंजाब का बड़ा मुद्दा रहा है कि नशे का, जिवें हुण नशे दे एक मामले दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया उहदा सामना कर रहे ने, तो उस मुद्दे नूं कांग्रेस भी लैके आई सी भी हल करांगे, की अजिहे मुद्दे आपां रखे ने इस चोण मनोरथ पत्र च? चोण मनोरथ पत्र तां अजे बन रहा है। अच्छा जी, साडा जे सांझा बनना है जी, लेकिन ये मुद्दे तो सब तो जरूरी ने, इहदे लई तां असीं कर ही रहे हां, बाकी वक्त दसूगा भी किन्ने मुद्दे किन्नी क असीं इहनां नूं हल करांगे, किन्नी क देर हल कर सकदे, वो वक्त दसेगा जी। बीते दिनी प्रधानमंत्री की फेरी होंदी है कि फेरी दे विच सुरक्षा का मुद्दा सामने आउंदा गा, दोषी पंजाब सरकार नूं मन्निया जांदा, ते उदू बाद ईडी दी रेड, इस नूं जिवें प्रधानमंत्री जदों जांदे नेगे इत्थों ते एक गल निकल के आउंदी, उन्होंने कही जां ना कही उह बाद दी गल है कि प्रधानमंत्री नूं मुख्यमंत्री नूं दस देना, प्रधानमंत्री कहिंदे ने कि मैं इत्थों जिंदा चला गया, ईडी दी रेड हुंदी है, फिर एक गल निकलदी है कि प्रधानमंत्री दी फेरी नूं याद रखना, की इह बदलाखोरी की नीति नाल केंद्र की एजेंसी ने रेड की मनवाते हो, या तुसीं एक यह विशेष तौर पर कोई रूटीन की प्रक्रिया? देखो मैं ये बहुत कमेंट उस तरह का करना नहीं चाहता, लेकिन एक तो मन मनना पेगा कि ईडी की रेड च पैसे निकले ने जी, वह हिसाब तो किसी को देना ही पेगा, वह जवाब भी देना पेगा जी। इस करके किवें होया किवें नहीं, ईडी हक है वो किसी पर भी कर सकता है, ये हुण ये कहना कि जी वो उस उच्च किया, मैं तो समझा नहीं इस हिसाब नाल होएगा। ईडी वैसे अधिकार है, वो किते भी किसी पर भी छापे मारे, जिते उन्हें शंका होवे वो छापे मार सकता। फिर आपां गल करिए, तुसीं 12 उम्मीदवार ऐलान दिते ने, भाजपा ने कुछ 34-35 उम्मीदवार उन्होंने भी ऐलान दिते है, तो कैप्टन साहब ने भी कर दिता है, तुसीं जिहड़े बाकी रहिंदे उम्मीदवार कदों आउण की संभावना? देखो मैं समझता 2-3-4 साढ़े उम्मीदवार ऐसे ने जिहड़े साढ़े जित सकदे सी जी, वो अज भी साड़ी कोशिश है उन्होंने कहने की कि नहीं तुसीं अजे भी दोबारा विचार कर लो, किन्ना कु विचार हुंदा है वो हुण वक्त ही दसदा, एक दो दिन के अंदर है उहदे च की फैसले हुंदे ने वो वक्त दसेगा। सारिया मेन धिरां दे विच मुख्यमंत्री दे चेहरे नूं लैके अंदरूनी कलेश भी है, तो कई ने सामने भी कर दिते ने, तो की अपना गठजोड़ दे विच कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आ सकता है? नहीं, अजे तक कोई डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चाह के MLA ने चुनना होंगे जी, MLA जो बन जाएंगे उदो चुन लेंगे। दूसरी गल ये आ रही है कि जेड़ा अपना गठजोड़ है, कुछ गल्लां निकल के सामने आई हैं, जिमें कि आप सदा प्रकाश सिंह बादल करोना होंगे, वो DMC दाखिल होंगे ने, प्रधानमंत्री का फोन आता है, उन्होंने इस तरह देखा जा रहा है कि कितना कितने एंड ते आके चोणों तो बाद अकाली दल ना अपना समझौता होने की संभावना है? देखो ये तो बड़िया होंगे, देखो ये तो वैसे सरदार प्रकाश सिंह बादल तो मनना ही पेगा ना, सब तो सीनियर राजनीतिक नेता ने जिन्हें बहुत लंबा समा काम किया, उन्होंने बीमारी का पता लेना तो उन्होंने सियासत नाल जोड़ना वो कोई मुनासिब नहीं है। प्रधानमंत्री जी की यह ग्रेटनेस है कि बादल साहब का पता ले, सेहत का पता लिया उन्होंने,
ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅੱਧ 'ਚ ਰੱਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਛ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ BJP ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਉਸੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਲੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆਪਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ
जे आप पंजाब की कली गल करिए पंजाब के लोगों ने तय करना कि पंजाब की स्थैशी पार्टी केड़ी है ते किसनू उन्होंने आपकी नुमाइंदगी लिए बिठाउणा है ये आने वाले दिनों पता लगेगा। असी जिहड़ियां चर्चावां दर्शकों सामने रखते हैं तो यही साड़ी चर्चा दर्शकों अच्छी लगती है तो साडे चैनल लाइक ते सबसक्राइब जरूर कर देखते रहन स्काई।